दशहरे पर निबंध। दशहरा भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। दशहरे को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। ये त्यौहार प्रतिवर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में दशमी को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसी खुशी के कारण दशहरे का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ दशहरे का दिन महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का भी प्रतीक माना जाता है। दशहरे के 9 दिन पहले से जगह जगह रामलीला शुरू होती है। दशमी के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। इन पुतलों पर पटाखे बांधे जाते हैं। इन पटाखों से अनेक प्रकार की आवाज़ें निकलती हैं। दशहरे पर्व मनाने के लिए जगह जगह मेलों का भी आयोजन किया जाता है। मेले में तरह तरह की वस्तुएं जैसे चूड़ियां, खिलौने, कपड़े आदि वस्तुएं देखने को मिलती हैं। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। इस दिन लोग नया कार्य आरंभ करते हैं। दशहरा बुराई पर अच्छाई का संदेश देता है। इस त्यौहार से हमें सच्चाई, आदर्श और मानवता की अमूल्य सीख मिलती है।